तो मास मीन डायमीटर, सरफेस मीन डायमीटर, ये सब हम लोग कैसे वॉल्यूम मीन वॉल्यूम बेस्ड ऑन वॉल्यूम डायमीटर ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्रीनिंग क्या होती है, टाइलर सीरीज क्या होती है, इसके अलावा ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। इसके बाद साइज रिडक्शन, यहाँ से एक बहुत बड़ा टॉपिक है। साइज रिडक्शन से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि हमारे पास चार उस प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि इम्पैक्ट क्या होता है, कंप्रेशन क्या या एट्रीशन क्या होता है, एट्रीशन या रबिंग, शीयर क्या होता है, कौन सा इक्विपमेंट कैसे काम करता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्राइमरी क्रशर्स आते हैं, फिर सेकेंडरी क्रशर्स आते हैं, उसके बाद ग्राइंडर्स आते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास तो उसमें भी प्राइमरी ग्राइंडर्स, फिर सेकेंडरी ग्राइंडर्स, अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर्स। तो ये सब कैसे, इनका क्लासिफिकेशन किसका, इनलेट जब इनलेट डालते हैं तो फीड का क्या आता है, आउटलेट है तो उसका प्रोडक्ट का क्या आएगा, किसे कहाँ से कहाँ रेंज करते हैं। तीन हमारे पास लोज होते हैं, रिटेंजर्स लो, किक्स लो, बॉन्ड्स लो, वर्क इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी बाय एम डॉट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से गेट में दो तीन बार जो क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज़्यादा अभी तक वर्क इंडेक्स से ही कैलकुलेट करने के लिए आया, लेकिन हम लोगों को सारे याद करने होते हैं। इसके अलावा ये सारी छोटी क्रशिंग एफिशिएंसी क्या होती है, न्यू सरफेस आप लोग कैसे क्रिएट करते हैं, इनके स्टेटमेंट्स क्या है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें बॉल मिल क्रिटिकल वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर हमारे पास इसी बार क्वेश्चन क्रशर से आया कि ये कैसे इसका डायमीटर चेंज होता है, प्रोडक्ट साइज उसमें कैसे आएगा। इसके अलावा हमारे थिकनर्स क्या होते हैं, यहाँ से हमारे पास पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ से साइक्लोन्स क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूज क्या होते हैं, यहाँ से भी गेट में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि जिनके सॉल्यूशन बहुत सारी बुक्स में गलत दिए हुए हैं। अब ये सारे हमें छोटे छोटे पार्ट इधर से हम लोगों को कर लेने होते हैं। इसके बाद हमारे पास कन्वेयर बेल्ट्स कितने टाइप की होती है, ये सारी छोटी छोटी बातें जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। कन्वेयर बेल्ट से कभी शायद एक दो क्वेश्चन आए हुए, लेकिन थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। फिर इस इधर यहाँ पे हमारे पास इसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोसेस कैलकुलेशन, CPC। प्रोसेस कैलकुलेशन में हम लोगों को क्या करना होता है, प्रोसेस कैलकुलेशन कुछ नहीं है, मैंने पहली वीडियो में ही बताया, ये सिर्फ एक मटेरियल और एनर्जी बैलेंस है। इसमें हमारे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिन पे रिसाइकलिंग है, पर्जिंग है, आपका एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है, एक्सेस ऑक्सीजन है, ये यहाँ से सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये सारे बैलेंस के ऊपर ही है कि कैसे आप किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक से कुछ सोल्ड एग्जांपल देख सकते हैं। आफ्टर दैट आपका केमिकल टेक्नोलॉजी आता है, तो केमिकल टेक्नोलॉजी के तो मैं आप यही बताऊंगा जो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, फर्टिलाइजर्स है, सीमेंट इंडस्ट्री है, ये सारों के आप इनके फ्लो शीट देख लीजिए, पुराने क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, क्या उनकी कंडीशंस है, कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। तो यहाँ से 4 मार्क्स का ये आता है। तो इस तरीके से आप अपना 45 डेज में ये आराम से, 60 डेज में आप आराम से फिनिश कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो बता दिया क्या आता है, लेकिन आपने सर ये नहीं बताया कि हम लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे कवर होगा और हम लोग खुद से कैसे कवर करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको अच्छा थोड़ा यहाँ पे, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने मास ट्रांसफ़र के बारे में कम बताया, तो मैं मास ट्रांसफ़र के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका, पहली वीडियो में मैंने बताया है। तो यहाँ पे तुम्हारा डिफ्यूज़न है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो हमारे मास ट्रांसफ़र कोफिशियंट्स हैं उनमें रिलेशन कैसे होता है, जैसे पेज नंबर 49 पे एक पूरा टेबल दिया हुआ है कि उसमें कैसे KC, KC prime, KG इन सब में रिलेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टेडी स्टेट गैस में हम लोग केस फर्स्ट क्या है, केस सेकेंड क्या है, फिर इसके बाद हमारे ट्रे टावर है, इनमें नंबर ऑफ ट्रेज कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये सारी पैक टावर है उसमें HETP कैसे कैलकुलेट करते हैं, NTU, HTU इनमें रिलेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ड्राइंग है, ह्यूमिडिफिकेशन है, डीह्यूमिडिफिकेशन है, तो ये सारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि जहाँ से गेट में कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में आती है। डिस्टिलेशन का ऑलरेडी मैं बता चुका, लिक्विड एक्सट्रैक्शन है, एडजॉर्प्शन है, लैंगमुइर एडजॉर्प्शन है, फ्रेडलिच एडजॉर्प्शन है, तो ये सारा इसकी डायरेक्टली इक्वेशन आ जाती है, XYM = AP/1+BP, इनके लिमिटेशंस क्या है हमारे। इसके अलावा एडजॉर्प्शन से कोई छोटे मोटे यही सब क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ड्राइंग में हम लोग कैसे फॉलिंग रेट कर्व पे हम लोग कैसे टाइम निकालते हैं, कॉन्स्टेंट पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में, इनकी यूनिट्स क्या होती है। तो इस तरीके से हमारे पास सारे सब्जेक्ट हो गए, मास ट्रांसफ़र हो गया, थर्मोडाइनेमिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, CRE हो गया, हीट ट्रांसफ़र हो गया, हीट प्रोसेस डायनेमिक्स कंट्रोल हो गया, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स हो गया, मैकेनिकल ऑपरेशन हो गया, CPC हो गया और आपका केमिकल टेक्नोलॉजी हो गया। अगेन उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि सर हम लोगों को कैसे पढ़ना है और हम कैसे करना है आप लोग, एंड बिलीव मी अगर आपने अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ा है
तो आपका अच्छे से हो सकता है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी है। अब मैंने क्या बोला, 60+15+15, आप एक साथ कोई भी दो सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करिए, एक वो सब्जेक्ट जिसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट है और एक वो सब्जेक्ट जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो आप धीरे धीरे करके वो टारगेट रखिए कि हर 10 दिन में हम लोग दो सब्जेक्ट फिनिश कर लेंगे। और सबसे पहले सबसे अच्छी बात यह है कि आप सिलेबस को ध्यान में रखते हुए करिए कि कैसे इनका क्या क्या सिलेबस है। और अपना सबसे पहला काम क्या है कि गेट का सिलेबस डाउनलोड करके अपने रूम की दीवार पे उसे फिक्स कर लीजिए कि अच्छा ये टॉपिक फिनिश। और साथ के साथ आप इसके एक टॉपिक आपने पढ़ा उसके साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोग लगाते जाइए। और इसमें सबसे अच्छा क्या है कि आप आराम से मेरे जो ऑनलाइन नोट्स पड़े हुए हैं कि जो एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम लोग कोई चार्ज नहीं करते कि सिर्फ एक सैंपल डाल दिया उसके बाद बाकी नहीं डाल रहे, तो उस पर वो पूरे फुली नोट्स पड़े हुए हैं 4-5 सब्जेक्ट्स के, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आगे वाले सब्जेक्ट्स के भी मैं डालूंगा और तो आप वहाँ से डाउनलोड करके एक सिस्टमेटिक वे से जा सकते हैं। कोई आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अगले आने वाली वीडियो में वो डाउट क्लियर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप 10 डेज में इधर 10 डेज में 2 सब्जेक्ट और इधर यहाँ पे एक छोटे वाला सब्जेक्ट जैसे केमिकल टेक्नोलॉजी है, तुम्हें पता है कि वो एक दिन में याद नहीं होता, तो उसका डेली 1 या 2 पेज पढ़िए तो भी आराम से अच्छे से कवर हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास 10 10 10, इट मीन्स आपके यहाँ पे 1 मंथ में एटलीस्ट 4-5 सब्जेक्ट फिनिश हो जाएंगे। अगेन फिर इन पहले वाले का रिवीजन करते रहिए और आगे वाले को बढ़ते रहिए। जब आपके 2-3 सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप में के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जब वही कॉन्फिडेंस आपको एक अच्छी रैंक ला के देगा, बिलीव मी किया जा सकता है। अभी आपके पास बहुत कम टाइम है और टाइम भी है, आप दोनों ही तरीके से है कि आप बोल सकते हो कम टाइम भी है और ज़्यादा टाइम भी है। अगर आप इन 3 महीने को ही एकदम अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे तो आपके पास टाइम की कमी नहीं है, आपका पहले अटैम्प्ट में ही होगा या आपका जो भी अटैम्प्ट हो उसमें बहुत अच्छे से हो सकता है। इस तरीके से आपके 45 डेज में नियरली एक बार सब्जेक्ट फिनिश हो जाएंगे, एटलीस्ट जो टॉपिक मैंने बोले एटलीस्ट आप उन टॉपिक्स को तो अच्छे से कवर कर ही लीजिएगा। फिर इसके बाद आप आराम से ये छोटे छोटे सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप आगे बढ़ते रहो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, जब आप आगे बढ़ते रहो तो पीछे वाले को कभी मत भूलो, पीछे वाले का रिवाइज़ करते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए 2-4-5 बार, जब तक रिवाइज़ ना हो फॉर्मूलेज को लिख के देखिए। और जब तक आपको एक एक चीज़ याद ना हो जब तक आप पीछे नहीं हटना है, मेन चीज़ है। और आप एक ऐसी फेज़ में अब गुजरने जा रहे नेक्स्ट 90 डेज में कि आपके अगर 4 क्वेश्चन हो गए तो आपको लगेगा कि हाँ आई एम डूइंग वेल, अगर आपके 4 क्वेश्चन नहीं हुए तो आपको लगेगा कि यार मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा। तो डीमोटिवेशन नहीं होना है, सब आपके जैसे ही हैं। अगर पेपर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, पेपर इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा। तो कभी टफ और सिंपल पेपर से हम लोगों को दुखी नहीं होना है, क्योंकि गेट 2015 में 44 मार्क्स पे 300 रैंक थी और गेट 2017 में 44 मार्क्स कट ऑफ थे। तो एवरीथिंग इज रिलेटिव इन दिस वर्ल्ड, इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। इस तरीके से आपको रिवाइज करते रहना। पहला टारगेट जो आपको रखना है कि आपको गेट 2000 से 2018 तक के क्वेश्चन 2-3 बार बिना पीछे सॉल्यूशन में देखें, उन्हें खुद से करने की कोशिश करनी। हालांकि कुछ पब्लिकेशंस ने या कुछ कोचिंग्स की बुक्स में कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत हैं, तो आप वहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में मैं आपको बता दूंगा कि किसका क्या आंसर सही है और क्या गलत है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। इधर अगर आप इतना कर पाते हो, इसके बाद आप 1991 से लेकर 2018 तक के अच्छे से कर सकते हो। मार्केट में कई बुक्स अवेलेबल आती होती है तो वहाँ से आप लोग इन्हें अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस इतना है क्योंकि अभी हमें फर्स्ट एक थ्रेशोल्ड तक पहुँचना है, यानी अभी हमें सिर्फ कट ऑफ तक तो पहुँचना है ना, उसके बाद हम और अच्छा करेंगे। इस तरीके से हम लोग ये अपना सिलेबस अच्छे से ख़त्म कर लें। मैथ के लिए और एप्टीट्यूड के लिए कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो हर साल प्रीवियस ईयर के आप सारी ब्रांचेस का, मैथ और एप्टी के लिए सबसे अच्छा ये रहता है कि आप सारी ब्रांचेस का पिछले 10-20 सालों में जो भी क्वेश्चन आए हैं उन्हें अच्छे से कर डालिए, ऑटोमेटिकली आपकी बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। क्लियर है? आपको सिर्फ पहले 3 चीज़ें अच्छे से फोकस करनी है। एक, गेट का सिलेबस क्या है वो सिलेबस अच्छे से कवर करना है। मेरे जितने भी क्लासरूम के नोट्स हैं या तो आपके फ्रेंड्स आसपास मुझसे पढ़े होंगे, क्योंकि इंडिया के नियरली मैंने 20 से ज़्यादा शहरों में क्लास लेता हूँ, तो या तो आप उनसे नोट्स ले लीजिए या आप फेसबुक से पेज से डाउनलोड कर लीजिए। फेसबुक पेज का लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा।
उसके बाद और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मैंने हालांकि अपने नोट्स में प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कवर किए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई रह गया हो तो आप उसे अच्छे से, लेकिन सॉल्यूशन देख के नहीं करना, उसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, आपको खुद से करना है कि एप्लीकेशन फॉर्मूले का क्या है। क्योंकि अगर फॉर्मूले मगने से रैंक आने लगती तो फिर हम लोगों की किसी की ज़रूरत ही नहीं थी, सब लोग खुद ही कर लेते। लेकिन मेन चीज़ वही है कि उन फॉर्मूले में कौन सा टर्म कहाँ से आ रहा है, उसका एप्लीकेशन क्या है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट की। और बिलीव मी, और मेन इम्पोर्टेंट थिंग, आपको अपना एटीट्यूड और बिहेवियर सही रखना है। क्योंकि जिस दिन आप गेट का एग्ज़ाम देने जाते हो, आप अकेले नहीं होते कि जिसे सब कुछ आता है, आपके जैसे और बहुत सारे लोग होते हैं कि जिन्हें बहुत सारी नॉलेज होती है, लेकिन हर किसी का तो गेट में सिलेक्शन नहीं होता ना, हर किसी के अंडर 100 नहीं आती, हर किसी के अंडर 500 नहीं आती। और हमें चार वो क्वेश्चन करने हैं अंडर 100 अंडर 10 में लाने के लिए कि जो जनता को ना आते और आपको आते हो, और वही आपके बीच में और लोगों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट कर देंगे, और हमें उसी पे डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम लोग एटलीस्ट क्वालिफाई तो हो हर कोई जो भी मुझसे गाइडेंस ले रहा है, और ये मेरा भरोसा है कि जितना मैं बताता हूँ अगर तुम उतना भी अच्छे से कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। अब दूसरी बात, सर इसमें आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये तो हमें खुद ही पढ़ना है। हाँ, मैं तुम्हें 15 डेज का, एटलीस्ट 10 टू 15 डेज का एक फ्री क्रैश कोर्स प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं डेली 2 से 3 घंटे की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और उसमें जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोले हैं उसे मैं अधिक से अधिक कवर कराने की कोशिश करूंगा, कि ताकि और कुछ कुछ प्रैक्टिस करूंगा, वो आपकी प्रायोरिटी के ऊपर। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आपको किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा डर लगता है, और जिन सब्जेक्ट्स में आप लोगों को ज़्यादा डर लगता है उन सारे सब्जेक्ट्स को हम, वो सारे सब्जेक्ट्स को मैं और इजी बना के आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वही सारे सब्जेक्ट्स में मेरा एक्सपर्टाइज है। जैसे आपका मास ट्रांसफ़र है, थर्मोडाइनेमिक्स है, FM है, ये सारे सब्जेक्ट, कंट्रोल है, इन सारे सारे सब्जेक्ट्स को मैं आपको और अच्छे से एक एक चीज़ें वो कर सकता हूँ। क्लियर है? और मेन चीज़ है हम लोगों को मोटिवेटेड रहना है। क्लियर है? एक इंसान कभी भी हारने के लिए तो बना ही नहीं है। क्लियर है? हमें डिफ़ीट किया जा सकता, हमें, हम डिफ़ीट हो सकते हैं एक बार दो बार, लेकिन हर बार हम लोग जीतेंगे, बशर्ते आप भरोसा रखिए खुद के ऊपर और भगवान के ऊपर, और धीरे धीरे चीज़ें ऑटोमेटिकली बनती चली जाएगी। बट बिलीव मी, आपको हार्ड वर्क करना है रियली, खुद को बेवकूफ़ नहीं बनाना कि मैं एक घंटे किताब लेके बैठा हूँ और एकदम पढ़ नहीं रहा, बस इधर उधर ध्यान दे रहा हूँ, व्हाट्सएप चला रहा हूँ, फेसबुक चला रहा हूँ। नहीं, ये आपका कैरियर है यार, ये एक ऐसा घर है जिसे आप अपने लिए बनाने जा रहे हो, और आने वाले 35 ईयर्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए हमें अपनी क्वालिटी के साथ, अपने कैरियर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि अगर एक बार कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो लाइफ टाइम पछताना पड़ेगा, और एक साल की कीमत बहुत होती है। कभी आपको एक सेकंड की कीमत जाननी हो तो कभी आप उससे ओलंपिक में जिसे सेकंड या थर्ड आया हो, जो गोल्ड ना ले सका हो और कुछ माइक्रो सेकंड की वजह से रह गया हो, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए ईच एंड एवरी सेकंड इज़ प्रीशियस टू अस। बट हमें मोटिवेटेड रहना है, एक फंडामेंटल तरीके से काम करना है, मोरली और एथिकली सही रहना है, आराम से अपनी अप्रोच सही रखनी है। दूसरा, अभी वो जो 991 वाला कैलसी यूज़ करना बंद कर दिए, क्योंकि अब ऑनलाइन कैलसी आता है तो सभी के पास, आप लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आप सब हाई जनरेशन वाले लोग हो, तो आप वहाँ पे उसे अपने उसमें इंस्टॉल कर लीजिए और अच्छे से उसे वहाँ पे उससे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो वहाँ प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते अच्छे से। क्लियर है? अब बुक्स के बारे में मैं ऑलरेडी पहली वाली वीडियो में बता चुका आपको कि कौन सा सब्जेक्ट किस बुक से पढ़ना है, और आपको कोई भी इम्पोर्टेंट या जानकारी चाहिए तो आप मुझसे नीचे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इस और मेन चीज़, आपको सोचो आपका ड्राइविंग फोर्स मैं नहीं होना चाहिए, आपका ड्राइविंग फोर्स कोई और नहीं होना चाहिए, आपका ड्राइविंग फोर्स आपके पेरेंट्स होने चाहिए। क्योंकि सोचो जो आप उन लोगों के बारे में सोचिए कि जो गली मोहल्ले में कहते हुए घूमते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी इंजीनियर बनने जा रहा है या फिर वो गेट देने जा रहा है, सोचो अगर तुम्हारा, जस्ट क्लोज योर आइज और इमेजिन एक वो मोमेंट कि आपकी बहुत अच्छी रैंक आई, आपके घर में पूरी बहुत खुशहाली का माहौल है, सिर्फ एक आपके कारण आपके घर में 80 साल के आपके बाबा दादी भी बहुत खुश हुए हैं, जो भी दुनिया में कुछ ही दिन के मेहमान हैं, इसलिए कि सिर्फ पोते का बहुत अच्छा हुआ है, पोती का बहुत अच्छा हुआ है। और एक दूसरा मोमेंट सोचिए, आप पहले मोमेंट में सब लोग आप कितनी इज्जत करेंगे, आप घर जाओगे आपको भी अच्छा लगेगा फ्रेंड्स के बीच में। एक दूसरा मोमेंट जिसमें आपका सिलेक्शन नहीं होता, तो उसमें सोचो एक आपके कारण पूरे घर में मातम का माहौल है, सब लोग कितने दुखी है। तो आराम से हमें अपना अटेम्प्ट अच्छे से लेना है, क्योंकि हमें अपनी तरफ से अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना, उन्हें हमें खुश रखना है। क्लियर है? तो आराम से, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी, मैं थोड़ा कभी कभी एकदम हमेशा मैं थोड़ा सच बोलता हूँ तो कभी बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है, लेकिन ये बिलीव मी, किसी कोचिंग वालों को, किसी को
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ दो लोगों को फ़र्क पड़ता है, जो तुम्हें पढ़ाते हैं और तुम्हारे पेरेंट्स और तुम खुद। बाकी लोग तो सोचते हैं कि ठीक है यार भीड़ है, लेकिन बिलीव मी आज ही मैं हर बच्चे को, कभी मैं भीड़ नहीं मानता, मैं हर बच्चे को एज इट इज़ ट्रीट करता हूँ, क्योंकि मैं हर बच्चे की वैल्यू वही समझता हूँ जो मेरी वैल्यू मेरे घर में है। क्योंकि अगर मैंने कुछ अच्छा किया तो फैमिली का कुछ अच्छा हुआ ना, अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो तुम्हारी फैमिली का कुछ अच्छा होगा ना। सोचो अगर तुम कुछ अच्छा नहीं करोगे, तुम्हारे फ्रेंड अच्छा करेंगे तो उससे तुम्हारा क्या होगा। तो इसलिए आराम से कैरियर के बारे में कभी भी हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, अच्छे से एक एक चीज़ें हमें करनी चाहिए और बिल्कुल अपना 100% दीजिए और रिजल्ट फिर बाद में चाहे कुछ भी हो। एंड बिलीव मी दिन में जब आप अच्छे से पढ़ेंगे और एक अपना शेड्यूल अच्छे से बनाइए, अभी फंडा बना लीजिए कि दिन में इतने घंटे पढ़ना है तो इतने घंटे पढ़ना ही है, अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करना कि दोस्तों के साथ कहीं घूमने चले गए, 4 घंटे वेस्ट कर दिए, मूवी देखने चले गए, इसके लिए पूरी लाइफ पड़ी है। एक बार कहीं अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाओगे तो आराम से ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी। और जो मैं ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करूँगा उसकी कोई भी फीस नहीं होगी, वो एकदम एब्सोल्युटली फ्री है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं ऑल ओवर इंडिया, उन लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन एट ऑप्टिमम कॉस्ट पे मिले। इसी कारण से जो भोपाल में हमारी कोचिंग है ERP, उसमें भी हम लोगों ने एक फ़ीस ऑप्टिमम ही रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं 15 दिन में क्रैश कोर्स में आपका अधिक से अधिक फिनिश करने की कोशिश करूँगा और इतने टॉपिक तो मैं कवर कर ही दूंगा जितने टॉपिक मैंने यहाँ पे क्लास में बोले हैं। क्लियर है? तो आपको आई हो इतनी सारी बातें समझ में आई होगी। और मेन चीज़ वही है कि कंसिस्टेंसी एंड वी नीड सक्सेस, बट दैट सक्सेस शुड बी सस्टेनेबल इन नेचर, अदरवाइज देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस ऑफ सच टाइप ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। हमेशा बी मोटिवेटेड और हमेशा अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखिए, उन लोगों के बारे में पढ़िए जिन्होंने इतिहास बदला है। और आप ये तो एक बहुत एग्जाम की बात है, आप तो दुनिया बदल सकते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ। मैं तो यही अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, और हो सकता है कि अभी शायद मेरी फ्रीक्वेंसी आप लोगों से मैच करती है एज कम होने के कारण, लेकिन मैं तो इसी चीज़ में बिलीव रखता हूँ कि सपने देखो और दुनिया बदलो। जिसने जिसने सपने देखे हैं उसने दुनिया बदली है। और ये सारी चीज़ें मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी किया है, पहले ही अटेम्प्ट में किया है, विदाउट एनी कोचिंग किया है। तो आराम से चीज़ें हो सकती है, बशर्ते जो हम सोचते हैं हम उसमें भरोसा रखते हो। इज़ इट क्लियर? और हमें हमेशा अच्छे से एक एक पॉइंट अपना क्लियर होना चाहिए। और आप सब लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, हमेशा मेरा इतना सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ अपने स्टूडेंट्स की वजह से हूँ, इसलिए स्टूडेंट्स मेरे लिए हमेशा मेरी पहली प्रायोरिटी रहे हैं। इसलिए जितने दिन से ये भोपाल में चौथा सक्सेसफुल ईयर्स है, 3 साल ख़त्म होने वाले हैं, चौथा सेशन स्टार्ट होने वाला है, हर साल बहुत सारे लोग आते गए चले गए, बच्चे की कोई फ़ीस लेके भाग गया, कोई बच्चों का सिलेबस टाइम पे नहीं करा रहा, ये सारी चीज़ें, लेकिन हमने हमेशा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ऑल ओवर इंडिया हम जहाँ भी पढ़ाते हैं बच्चों से जुड़ के काम करता हूँ, और आप सब लोग मुझे इतना सहयोग देते हैं, इतना प्यार करते हो मुझे, हमेशा मुझे अपनी हर प्रॉब्लम मेरे साथ डिस्कस करते हो, तो आई एम वेरी लकी पर्सन ऑन दिस प्लानेट। एंड आई डोंट नो, टीचिंग चूजेज मी और आई चूज टीचिंग, बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, बट आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग बिकॉज आई एम गेटिंग सो मच वैल्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम योर साइड एंड ईच एंड एवरी ईयर, सो मैनी रिजल्ट फ्रॉम माई क्लास रूम इंक्लूडिंग AIR 1, 3, 9, 10। आई एम द लकीस्ट पर्सन एंड ओनली ड्यू टू यू, कीप सपोर्टिंग मी इन सच ए वे एंड बिलीव मी वी विल चेंज ऑल दी सिनारियोज। सोचो यार, एक पुल और एक सैनिक की कदम चाल के चलने से, रेजोनेंस के होने से एक पुल नीचे टूट जाता है, तो क्या एक टीचर और एक स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी के मैच होने से एक गेट जैसा एग्जाम नहीं निकल सकता? निकल सकता है, जरूर निकलेगा, मेरा भी निकला था, आपका भी निकलेगा। और इसी तरीके से आप जुड़े रहिए मेरे साथ, और कोई भी आराम से काम और अच्छे से चीज़ें धीरे धीरे करके हो जाएगी, बशर्ते आपको एक सिस्टमेटिक वे से काम करना है। इज इट क्लियर? आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन ऑल्सो, इट्स माई पेट डायलॉग इन माई क्लास रूम, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वॉचिंग हु आर फ्रॉम माई क्लास रूम प्रोग्राम, तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज मैंशन इन योर कमेंट दैट विच टॉपिक यू नीड मोस्ट एंड द टफेस्ट टॉपिक्स, आई विल कवर ऑल दोज टॉपिक्स एक्सेप्ट 2 सब्जेक्ट, दैट इज केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस कैलकुलेशन, आई कवर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? मेन थिंग इज दैट दीज 90 आवर्स एंड देन 90 डेज एंड देन रिविजन, ओनली रिविजन इज द की। एंड रिमेंबर मोस्ट ऑफ द फॉर्मूलाज, ट्राई मैक्सिमम थिंग्स एंड सर्टेनली यू विल गेट ए गुड रैंक, बट ओनली कंडीशन इज दैट
हार्डवर्क रिविजन और नथिंग. एंड बिलीव मी, यू आर द ओनली एंट्रेंस इन योर लाइफ. अगर आप कुछ चाहते हो तो आराम से हो सकता है, बशर्ते आप उसमें बिलीव करते हो. इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच.